ईद का पूछ में मौलाना मुफ्ती फारूक एमएस भाई इमाम के नेतृत्व में ईद उल अजहा की नमाज बड़े एहतराम के साथ अदा की गई और विकास और भाईचारे के लिए दुआ की गई। अमरजीत सिंह पूंछ की रिपोर्ट। कादिस्तानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से और हमारे ऑनरेबल जो एमपी मियां अल्ताफ लारवी साहब की तरफ से तमाम पूंछ के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इस शहर में, इस मुल्क में, पूरी दुनिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हर जगह अमन चैन रहे और ख़ास करके फलस्तीन में जो बहुत जुल्म हो रहा है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे जालिमों को गायबाना जो है वो उनको सज़ा मिले और वहाँ पीस हो और जो बच्चे मारे जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं आखिर में फिर से पूरे पुंछ के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। जी आज ईद उल अज़हा के मौके पे मरकजी ईदगाह पुंछ में ईद की नमाज मुकम्मल की गई और मेरी तरफ से, जिला इंतजामिया पुंछ की तरफ से सारे पुंछ, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान रहने वाले लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी दुआ रहेगी कि अमन शांति भाईचारा बना रहे। मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर ये सवाल किया, मा हिया लज़ाही या रसूल, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप अलैहि सल्लम, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सुन्नत इब्राहिमी का दौर दौरा है, पूरी दुनिया के अंदर लोग इसे मना रहे हैं। आज दो गाना यहाँ पे अदा किया गया और जिला पुंछ का सबसे बड़ा मजमा मरकजी ईदगाह पुंछ के अंदर होता है और जहाँ पे हज़ारों लोग नमाज ईद अदा करते हैं। उसके बाद अब कुर्बानियों का सिलसिला तीन दिन तक रहेगा, आज भी, कल भी, परसों भी, परसों मगरिब की नमाज से पहले पहले तक। तो हम मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआगो हैं कि अल्लाह ताला सुन्नत इब्राहिमी को हमें आम से आम करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुकद्दस मौके के ऊपर हम ये पैगाम भी देंगे। इस वक्त आप देखेंगे पूरी दुनिया एक तरह की बेचैनी के अंदर मुब्तला है, उसकी वजह ये है कि हम जो एक तरह की शिद्दत पसंदी हर मामले के अंदर तवाज़ुन हमने बरकरार नहीं रखा है, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। तो हमें चाहिए अपने असलाफ के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए तवाज़ुन को बरकरार रखें और मोहब्बतें बांटें और आपसी भाईचारे को कायम रखें, इसी में हमारी सोसाइटी की बेहतरी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त रहे? एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी जिम्मेदारी है, बिजली देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पानी का इंतजाम करना, राशन देना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से निभाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का त्यौहार यहाँ पुंछ में जामा मस्जिद ईदगाह, जो मरकजी ईदगाह पुंछ है, उसमें सभी लोगों ने बड़े खुशहाल माहौल में ईद की नमाज अदा की है। मैं सभी लोगों को ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ और आप सभी लोग दिल से दुआ करें कि हमारा भारत खुशहाल रहे, अमन से सभी मजबूत के लोग रहे। जैसे कि आज पिछले साल पुंछ की बहुत मुबारक देते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया।
और ये उम्मीद करता हूँ कि ईद जो है सबके लिए खुशियाँ लाए और सभी को सभी के घर में खुशहाली लाने के साथ साथ सबके जो इरादे हैं जो उसी आगे की ख्वाहिशात पूरा करें। सर, सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त जो हैं ईद को लेकर किए गए थे, क्योंकि पहले से ही कुछ इलाकों में? देखिए, मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी कि ईद या कोई भी त्यौहार जो है वो खुशी मनाने का त्यौहार है और मुझे लगता है कि इसमें लोग खुद से हमारी सिक्योरिटी की गारंटी होते हैं। हम तो जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में लोग इतने खुशी से इस त्यौहार को भी या किसी और त्यौहार को भी मनाते हैं कि पुलिस या और कोई सिक्योरिटी बंदोबस्त की मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी सिलसिले में आपने देखा कि पुलिस में भी इतना अच्छा भाईचारा है, जहाँ पर सिर्फ हमारी मौजूदगी हम त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए इनके साथ में इकट्ठा होते हैं, बाकी हर जगह प्रेजेंस जो हमारे जवानों की है उनने भी ईद मनानी है, उनकी ड्यूटी भी कर रहे हैं और इस तरीके से मिलजुल के सिलसिले